सीखने को मिलता है। शायद इस साल 2022 अक्सर टीम के लिए बेहद अच्छी, अक्सर टीम के लिए बेहद खराब है। और एक तो क्रिकेट का पहचान है, लेकिन शुरुआत हो चुका है स्क्वायर कट से, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। उसके साथ सागर पढ़े लीजिए, राहुल लीजिए, निनाद जी लीजिए, अविनाश लीजिए, संपर्क कर सकते हो। बहुत बढ़िया, देखिए 24 है, अपना जिक्र करेंगे इस लॉस के, फिर से इस ओवर की समाप्ति के बाद है इस टूर्नामेंट के बारे में। और यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया उम्दा चौका अमित दादा ने एंट्री किया और यहाँ पर चौका आता हुआ। ठंडा ठंडा एसी कूल, और उसके साथ देखिए किचन रूम भी हम देख सकते हैं, के लिए आमंत्रण दिए हैं। और वॉकलन कहा जाए तो भाई हर कोई शांत हैं। और इस बार देखिए मौका 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 है, और फील्डर क्या कर रहे हैं भाई, जगह पर अगर खड़े खड़े अगर इस तरह की गेंद को देखते रहोगे तो फिर सामने वाले जो खिलाड़ी है ना भाग कर दूसरा तीसरा नहीं भाई, ये जगदम्ब वॉकलन के साथ रहता है। टीम कोई भी होने दीजिए, ए होने दीजिए, बी होने दीजिए। ओहो इस बार उछलता हुआ गेंद हवा में है, फील्डर से थोड़ा दूर, टिप मिडविकेट से रखा गया था और मिड ऑन के फील्डर, लेकिन तब तक देखिए दोनों बल्लेबाजों ने फिर से एक बार मुझे लग रहा है पर तीसरा रन मुकम्मल करते हुए। ऊपर में देखिए दो साल पीछे भी जाइए, एक नाइट प्रतियोगिता वहाँ पर के हिसाब से तीसरा चौथा मरतबा हो चुका है। बहुत बढ़िया सोच देखिए हम लीजिए और कुल छी लीजिए, बढ़िया देखिए हमका मात्री सर की यही खासियत है, जब भी वो किसी टूर्नामेंट में जाते हैं हर किसी का बायो डाटा हिस्ट्री निकालता है, ये निकालना भी बहुत जरूरी है, हर तैयारी करता है। तो काका मात्री सर देखिए पूरी तैयारी के साथ कमेंट्री बॉक्स पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों ने कुछ तैयारी तो किया है, लेकिन दो फील्डरों के बीच में और टेनिस गेंद का उछाल ऐसा रहता है ना, जिसे कहते हैं ना उड़ जाएगी पंछी रह जाएगा पिंजरा खाली, कभी कभी इतना बाउंस लेकर चला जाता है, दोनों फील्डर देखते रह जाते हैं भाई पंछी उड़ गई पिंजरा रह गया खाली चार रन। बहुत बढ़िया रन आता हुआ, दोपहर का समय आने दीजिए फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई विभाग में बात करेंगे। मजबूत टूर्नामेंट है, सतीश दादा पाटिल देखिए शायद 13 तारीख फाइनल टीम पीएल देखिए जाकर खेल कर आ रहे हैं। ओहो इस तरह की देखिए टेनिस क्रिकेट में शॉट देखने को मिला, ऑफ ड्राइव और वो भी देखिए कवर के ऊपर से, शायद खेलना चाहते थे इनसाइड आउट, लेकिन बल्ला थोड़ा सा घुमा यहाँ पर और चार रन आता हुआ देखिए आउटफील्ड बहुत बढ़िया। जी राज देखिए आज मैं कहूँगा थोड़ी सी शायद एचएन परेशानी में है शायद, क्योंकि डीजे मास्टर के लिए भी आसान नहीं रहता है। डीजे राज देखिए बात करूंगा ओम से आगा सर की टूर्नामेंट के ऊपर, इनका एक बड़ा सा मैसेज से तो जानते हैं, दोपहर की तैयारी हो रही है, दादा का नाम नहीं से थोड़ी सी दिमाग से गया। Thank you so much. Yeah. तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 66 है। और ये चलिए भाई लेट कट्स खेला और गली और सेकंड स्लिप को वेट कर दिया और आउट फील्ड। हर गेंद के ऊपर उसका इस्तेमाल कीजिए, जब आप एक बड़ी मैच खेले हो तो फिर आपकी गलतियों को भी
और सबसे अच्छी वक्त यही रहता है। ये देखिए भाई, ये तो भाई यहाँ पर बात करेंगे, दिन में यहाँ पर तारा दिखा रहे हैं। और पहला अर्धशतक यहाँ पर, तालियां बजने चाहिए जोरदार इस टूर्नामेंट के लिए। क्या वाह रे वाह, क्या कमाल के बल्लेबाजी। इससे कहते हैं दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का, लेकिन सोमनाथ जी बल्ला तो थोड़ा ऊपर उठना चाहिए भाई। अर्धशतक है ये, 100 से कम नहीं है। क्या कहना चाहोगे रोशन जी यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी यहाँ पर सोमनाथ की बल्लेबाजी। कौन सी मैदान के पर कौन सा खिलाड़ी और कौन सा अर्धशतक है? और उसके बाद देखे यहाँ पर उड़ाया, बड़ा हिट यहाँ पर देखे, यानी हटा सावन की घटा, क्योंकि अर्धशतक बनाने के बाद उसके बाद इरादा बना लिया है ताबड़तोड़ रन बनाने का। 6 रन में से फरमाइश हो रही थी कि थोड़ी सी बाबूशा गाना होना चाहिए। मैं तो कहूंगा सोमनाथ ने ऐसा कर दिया, सबका दिल ले लिया, क्योंकि क्या कमाल की बल्लेबाजी। और सब नहीं यहाँ पर, मैं कहता हूं कि तूने सबका दिल ले लिया यहाँ पर। और एक देखे यहाँ पर आता हुआ चौका, और सोमनाथ ने बता दिया भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है, डिस्को, 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 और गिटार भी बजाना आता। चौके मारे हैं और जिसमें दो छक्के, और उसके बाद देखिए इसे कहते हैं ओ हो, आखिरी समय में यह मौका आया था यहां पर।